नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी साथ दीपिका। खबर बोरावट से है, जहां कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण व अनलॉक 2.0 से सरकार के दिशा निर्देशों में संचालित रोडवेज में यात्रा करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बोरावट के समाज सेवियों द्वारा 5 थर्मल स्कैनिंग मशीन रोडवेज को भेज कर अनूठी मिसाल पेश की है। कस्बे के समाज सेवी जयसिंह कोटेचा, कृति जैन, सुरेश दुग्गड़, शांति स्वरूप सोनी व भाजपा ग्रामीण मंडल ओम प्रकाश शर्मा ने रोडवेज के नियमित संचालन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोडवेज के बुकिंग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी नंद किशोर कुमावत को मशीन भेंट की। इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी राम मनोहर सोनी ने बताया कि हालांकि लॉकडाउन के बाद से आज तक रोडवेज बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ तथा वे स्वयं रोडवेज के संचालन के लिए प्रयासरत है तथा संचालन जल्द ही शुरू होने की संभावना है। रोडवेज बसों का संचालन शुरू होते ही थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग कर बसों में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान रोडवेज बुकिंग क्लर्क किशोर कुमावत ने कहा कि यह उपकरण विभाग को मुहैया कराकर बहुत बड़ी सेवा की है। उन्होंने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग में शुरुआती जांच में स्वास्थ्य विभाग को काफी सहायता मिलेगी। रोडवेज में सफर करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने में आसानी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग किसी भी व्यक्ति के तापमान को नापने का काम करता है। कोरोना वायरस का एक लक्षण तापमान में वृद्धि भी है। अगर हम ऐसे मरीजों का तापमान देकर पहले ही एकांतवास में रहकर उनकी देखभाल करेंगे तो वायरस फैलने का रिस्क कम होगा। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की प्रेरणा से कुचामन निवासी हैदराबाद प्रवासी रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से स्वर्गीय धन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय अमरचंद सोनी की पुण्यतिथि में भोमराजगढ़ स्कूल में करवाए गए जल मंदिर के जीर्णोद्धार एवं उसमें प्योरीफायर फिल्टर प्लांट युक्त लगवाए गए वाटर कूलर का शुभारंभ हमाशा परिवार के ओम प्रकाश सोनी, कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, क्लब अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, कोषाध्यक्ष लॉयंस पवन सांबरवाला, प्रधान अध्यापक ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। ओम प्रकाश काबरा ने वर्मा परिवार एंड लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा कार्यों की सराहना की। लॉयंस राम काबरा ने भामाशाह वर्मा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब द्वारा पीड़ित मानव हितार्थ किए जा रहे सेवा कार्यों में रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा परिवार द्वारा निरंतर मिल रहा सहयोग अनुकरणीय है। उन्होंने बताया वर्मा परिवार के सहयोग से इस भीषण गर्मी में राहगीरों के शीतल एवं शुद्ध जल की व्यवस्था करवाने हेतु एक माह से आज तीसरे जल मंदिर का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान सह सचिव लॉयन सुशील काबरा ने भामाशाह परिवार के ओम प्रकाश सोनी, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, अध्यापक लुकुट वल्लभ गोड, प्रदीप जोशी, एहसान भाटी एवं मीडिया के बंधुओं का माला पहनाकर अभिनंदन किया। प्रधान अध्यापक सोहन राज ने इस पुनीत कार्य के लिए वर्मा परिवार व लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को साधुवाद देते हुए कहा इस प्लांट से बच्चों को साफ एवं ठंडा पानी मिलेगा। खबर मकराना से है, जहां युवा कांग्रेस नेता एडवोकेट राम मनोहर डूडी को अपर जिला व सेशन न्यायालय मकराना ने अपर लोक अभियोजक के राजकीय अभिशासक नियुक्त किया। डूडी की नियुक्ति पर कांग्रेस पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीण जन ने खुशी की प्रकट की है। कांग्रेस नेताओं ने एडवोकेट राम मनोहर डूडी का स्वागत कर बधाई दी एवं नियुक्ति प्रदान करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत का आभार जताया है। मकराना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा शिक्षा बोर्ड के नागौर के कुचामन सहित कई स्कूल के विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षाओं से विद्यार्थियों के पुनः प्रैक्टिकल दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गेट बंद किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे नारेबाजी करते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मेन गेट पर पहुंचे और 10 मिनट तक नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड का गेट बंद कर दिया तथा 10 मिनट तक गेट के ऊपर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इसके साथ
साथ ही वापस कार्यकर्ताओं ने गेट खोल दिया और कार्यकर्ता अंदर जाने लगे। अंदर जाने पर गार्ड द्वारा चैनल गेट को बंद कर दिया गया। वहां एबीवीपी कार्यकर्ता और बोर्ड स्टाफ में अंदर जाने को लेकर धक्का मुक्की हुई और वहीं कार्यकर्ता जबरदस्ती गेट खोलकर अंदर नारेबाजी करते हुए चले गए। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच वहां बोर्ड के सभी कर्मचारी स्टाफ एकत्रित हो गए। ऊपर जाने पर सेकंड बिल्डिंग पर दूसरा चैनल गेट बंद कर दिया गया था और अरविंद सांगवा बोर्ड सचिव द्वारा छात्रों में से समझाइश कर मामला शांत करवाया। सांगवा ने कहा कि वंचित विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल बोर्ड जरूर दिलवाएगा। महानगर मंत्री आसुराम डूकिया ने कहा कि 12वीं कक्षा के कला संकाय के जिन विद्यार्थियों के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गलतियों के कारण प्रयोग प्रायोगिक परीक्षा में विचलित चल रही है, उन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा तिथि घोषित कर आवेदन का एक निश्चित समय देकर आवेदन प्राप्त करें। प्रयोग परीक्षा करवाई जाए तब तक विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा में ही हो जाए तब तक 12वीं कक्षा संकाय का परिणाम घोषित नहीं किया जाए। एबीवीपी पदाधिकारियों ने आग्रह किया कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर निर्णय लिया जाए और इस विषय पर कार्रवाई नहीं करने पर विद्यार्थी परिषद देश स्तरीय आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की होगी। इस मौके पर महानगर संगठन मंत्री महिपाल सिंह और आसुराम डूकिया, जंजीला सह मंत्री उदय सिंह, विशाल रावत, बाबूलाल गुर्जर, रविन्द्र सांखला, विकास गोरा, गजेंद्र सिंह टांग, शिवराज चौधरी, सुरेश गोदारा, अरुण विद्वंशी, इसके साथ ही सूरज भान, दिनेश चौधरी व कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मकराना शहर में कोरोना महामारी को लेकर जहां सरकार एवं प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एवं जरूरी कार्य पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश जारी कर सुरक्षित रहने हेतु अपील कर रही है, वहीं मकराना के लोग इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे। शहर में लगातार बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, साथ ही लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर घूमते रहते हैं। इसके साथ ही मकराना की कई चाय की थड़ियों पर बड़े बुजुर्ग का जमावड़ा भी लगा रहता है, जबकि सरकार 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर में रहने की अपील कर रही है। रात्रि 9 बजे के बाद भी शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल रखने की भी अपील की जा रही है, परंतु क्षेत्र में ज्यादातर युवा बाइक पर घूमते रहते हैं। मकराना में अब तक 70 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। चिकित्सकों की माने तो मकराना में जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं उससे कोरोना कम्युनिटी स्तर पर फैलने की आशंका जताई जा रही है। शहर के ज्यादातर लोग सर्दी जुखाम बुखार होने पर सीधे मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले रहे हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होने पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जहां उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के जांच के लिए भेजने पर वहां नहीं पहुंचते हैं, जिससे चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन को बीमारी का सही अंदाजा लगाने में भी सहयोग नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोगों का कोरोना जांच प्रति डर भी साफ साफ दिखाई देता है कि खत्म हो गया है, पर फिर भी लोग डरते नहीं हैं। फिर भी कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों से बाहर लेकर घूमने निकल रहे हैं, बिल्कुल भी इस पर रोक नहीं लगा रहे और उन्हें मास्क आदि के लिए भी कहते हैं। अगर मकराना वासी प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं करते और सरकार की बताई गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में शहर को कोरोना से काफी भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मिठुड़ी कस्बे से मात्र 5 किलोमीटर दूर रमणीक व धार्मिक स्थान पांचवा कुंड स्थान श्रावण मास के दूसरे सोमवार को 2.5 घंटा मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें पांचोता कुंड स्थान लबालब भर गया, जिसमें वर्षों का पानी से नदी नालों में उफान आ गया। पांचोता में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, पर दोपहर में 11:30 बजे से 2 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पांचोता कुंड जो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, कुंड के आसपास स्थित कुंड लबालब भर गए। इन्हीं कुंडों का पानी मुख्य कुंड स्थान पर आता है। यह रणमिक स्थान होने के कारण श्रावण मास में आसपास के ग्रामीण पिकनिक मनाने आते हैं, स्नान करने का लुत्फ उठाते हैं। वहीं बारिश होने से पहाड़ी क्षेत्र हरा भरा से दिखता है और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में यही निम्बार्क संप्रदाय का ठाकुर जी बालाजी शंकर भगवान, इसके साथ ही ऊपर स्थित माता रानी का मंदिर दर्शनीय स्थान है। प्राचीन मंदिर व जन जन आस्था का केंद्र होने के कारण साल भर श्रद्धालु लोग आते रहते हैं और हरियाली अमावस पर प्रतिवर्ष शानदार मेले का आयोजन भी होता है। कुंड स्थान से निकलने वाले नदी नालों का पानी विभिन्न मार्गों से होता हुआ मिठुड़ी तक पहुंच गया। ये मानसून की पहली जोरदार बारिश है, ये जानकारी पांचोता निवासी रविन्द्र सिंह राठौड़ व सत्तू सिंह ने शेयर की है। Yeah.
खबर नावा से है, जहां राजस्थान में चल रही सियासी संकट के बीच एक कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। नागौर जिले के लाडनो विधानसभा सीट और राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर ने ट्वीट करके ये बयान दिया कि मुकेश भाकर ने कहा कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी हमें मंजूर नहीं। ये बात मुकेश भाकर ने ट्वीट करके कही है। ये बात तब बोली है जब राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है। हम आपको बता दें कि मुकेश भाकर लाडनो से विधायक है और पायलट कैंप के विधायक हैं। पायलट ने ही विधायक मुकेश भाकर को टिकट दिलवाया था। आज मुकेश भाकर जयपुर में गहलोत की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। मुकेश भाकर भी पायलट के साथ राजस्थान से गायब हैं। ऐसे में मुकेश भाकर का ये बयान आना कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है। श्री वीर तेजा सेना नावा विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र रॉयल जाट टोडासरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश चौधरी तथा जिला अध्यक्ष निमिचंद जलवाणियों अनुशंसा पर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नावा और कुचामन में सभी पदों पर नियुक्तियां दी। नावा तहसील में उपाध्यक्ष महेंद्र जाखड़, सचिव पद मदन लाल जाट, महासचिव चेनाराम चौधरी, मीडिया प्रभारी गोपाल रॉयल और कुचामन तहसील में अध्यक्ष बलवीर रॉयल, उपाध्यक्ष मुकेश जाट, इसके साथ ही महासचिव अमरचंद रॉयल, मीडिया प्रभारी राजू राम चौधरी को नियुक्ति दी है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 को मात देने के लिए अलोक नागौर के व्यापारिक संगठनों ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आमजन के सहयोग से स्वतः कर्फ्यू ही बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना से बचाव व इसकी रोकथाम को लेकर शहर के हर श्रेणी के व्यापारियों ने सहयोग करने का निर्णय लिया है। जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों की पहल पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार अध्यक्ष में सोमवार शाम को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सप्ताह के बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को फल, सब्जी, दूध व दवाइयां, सरी की आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें स्वेच्छा से बंद रखी जाएंगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यापारिक संगठनों व प्रबुद्धजनों द्वारा इस चार दिन के स्वत रफूर्त स्वैच्छिक बंद से कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा और इस महामारी के संक्रमण की चेन टूटेगी। उन्होंने बताया कि व्यापारिक संगठनों व प्रबुद्धजनों के सर्वसम्मत निर्णय अनुसार बुधवार दिनांक 15 जुलाई से शनिवार 8 जुलाई तक नागौर शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल सेल्स एंड सर्विसेज, जनरल मर्चेंट, सराफा, गारमेंट सराफा आदि व्यवसायों से जुड़ी दुकानें बंद रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार 18 जुलाई को एक बार फिर से शहर के व्यापारिक संगठनों के साथ रिव्यू बैठक ली जाएगी। इस बैठक में सर्वसम्मति से आगामी निर्णय लिए जाएंगे। व्यापारिक संगठनों की ओर से दिनांक 15 से 18 जुलाई तक किए जा रहे स्वैच्छिक बाजार बंद में प्रशासन व पुलिस पूरा सहयोग करेगा ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए न घूमे। जिला प्रशासन व शहर के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आमजन से अपील की कि कोरोना की रोकथाम में वे सरकार की मदद करें और इसे लेकर जारी गाइडलाइंस का पुनः पालन करें। फल, सब्जी, दूध और किराने संबंधित सेवाएं जो भी हैं यथासंभव घरों तक दी जाएंगी तो बाजार में भीड़ से बचा जा सकेगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेंद्र सिंह मीणा को निर्देश दिए कि नागौर शहर में अधिक से अधिक लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाकर अधिक से अधिक रैंडमली सैंपल लिए जाएं ताकि इस महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बैठक में उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी, सराफा व्यवसाय महेंद्र सुराणा, फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार भाटी, मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र पवार, न्यू रिको एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिलालाल भाटी, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण भंडारी, नागौर वस्त्र व्यापार मंडल संघ के सचिव पुरुषोत्तम, इसके साथ ही बर्तन एसोसिएशन के कमल अग्रवाल, रेडीमेड एसोसिएशन के ललित जैन आदि शामिल हुए। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।